गेट पर बुंदेलखंड इंसाफ सेना के पदाधिकारियों ने नारेबाजी कर तहसील गेट के सामने टूटी सड़क और गड्ढों पर धान की रोपाई कर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही भाजपा की केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मामला बबेरो तहसील परिसर का है, जहां पर बुंदेलखंड इंसाफ सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एसएस ओमानी की अगुवाई में आधा सैकड़ा कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। उन्होंने तहसील गेट के सामने टूटी सड़क व गड्ढों पर पानी भरे में धान की रोपाई करके विरोध प्रदर्शन किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एएस ओमानी ने कहा कि जब प्रदेश में चुनाव चल रहे थे तब उनसे कहा गया था कि 100 दिन में गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश बनाया जाएगा, लेकिन 2.5 साल बीत जाने के बाद भी तहसील मुख्य गेट के गड्ढे नहीं भर पाए। उन्होंने कहा, जब कस्बे का यह हाल है तो गांव देहात की सड़क के गड्ढे क्या भरेंगे। इसी तहसील गेट से तहसील भर के आला अधिकारी निकलते हैं, मगर इन गड्ढों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए इन गड्ढों और टूटी सड़क पर हमने धान की रोपाई कर विरोध प्रदर्शन किया है, जिससे कम से कम इन भ्रष्ट अधिकारियों की आंखें खुल सकें। मैं बुंदेलखंड इंसाफ सेना का प्रचार करता हूं। हम लोग तकरीबन बहुत दिनों से यहां देख रहे हैं, इसी तहसील का बसिंदा हूं, कि इस गड्ढे को आज तक शासन प्रशासन किसी नुमाइंदे ने ध्यान तक नहीं दिया। इस बात को लेकर हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष एस नुमानी जी से भी कहा। नुमानी जी ने कहा कि इसको हम बहुत तत्काल दिखवा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम खुद इसका प्रदर्शन करेंगे। नुमानी जी ने सब लोगों को अवगत कराया और आज नुमानी जी इस प्रदर्शन को लेकर के यहाँ धान रोपाई का कार्यक्रम करवाने आए, जिससे धान रोपाई करने के बाद इन अंधों की आँखें शायद खुल सकें और इस गड्ढे को देख सकें, जिससे कि यह गड्ढा बन जाए और बुजुर्ग, विकलांग व अन्य लोगों को सहायता मिल सके, जिससे कि आए दिन होने वाली घटनाओं से बचा जा सके। इसी गड्ढे को देख करके हो सकता है कि गांव देहात की गलियों को भी देख सके और वहां का विकास हो सके। जहां तक आज तक शासन प्रशासन की कोई नज़र नहीं जा रही, भाजपा सरकार सिर्फ घोषणाएं और घोषणाएं ही करती है, इन घोषणाओं पे हकीकत का काम कभी नहीं करती। आज तक इतनी बड़ी घोषणा करने के बावजूद भी इसी तरह के गड्ढे पूरे गाँव देहातों में हैं, पूरे कस्बों में हैं। आइंदा अगर ऐसा ही होता रहा तो बहुत पब्लिक का नुकसान हो सकता है और लोग चटहल हो सकते हैं, जिसको देखते हुए इन लोगों की आंखें खुल जाएं तो बहुत अच्छा होगा, अन्यथा की स्थिति में बुंदेलखंड हिसाब से ना आगे कदम बढ़ाने के लिए रुकेगी नहीं। एक्चुअल मैं तकरीबन आज 1 साल से देख रहा हूं कि यहां गड्ढा बना हुआ है, और जिसमें मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि हज़ारों की तादाद में लोग तहसील में आते हैं, किसी न किसी को ना को काम फंसा ही रहता है, जिसमें नौजवान भी आते हैं, विकलांग भी आते हैं, मजदूर भी आते हैं, किसान भी आते हैं। सबके आने के बावजूद भी सब लोग इसी रास्ते से गुजरते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग बेचारे विकलांग जाते जो कई बार गिर चुके हैं, चोटिल भी हो चुके हैं, फिर उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया, लेकिन यहाँ के उच्च अधिकारी सुबह से लेकर शाम तक 10 बार निकलते हैं, लेकिन वो किसी भी तरीके से एक्शन नहीं ले रहे हैं। इसलिए आज हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया धान लगा करके, यहाँ पर आज हम लोगों ने धान बोया है ताकि इनकी आँखें खुल सके। और बहुत ही अफसोस की बात यह है कि इनके नाक तले होने के बावजूद ये किसी भी तरीके का एक्शन नहीं ले रहे हैं। अब हमें उम्मीद है कि ये इस कदम को आगे उठाएंगे और इस काम को करने की कोशिश करेंगे, इसलिए आज हम लोगों ने धान लगा करके ये विरोध प्रदर्शन किया। क्या नाम है आपका? एएस नुमानी, बुंदेलखंड इंसाफ सेना का अध्यक्ष हूँ। बांदा से जीतू श्रीवास की रिपोर्ट।